आज की डेट में अगर गांधी जी होते तो सबसे बड़े एंटी नेशनल वो करार दिए जाते। इतने सालों में कभी ये मुद्दा नहीं था हमारे बीच में कि गांधी जी को का जो कत्ल हुआ और जो असैसिनेट किया उन्हें वो ठीक था। इस पे हम सब मानते थे कि उनका कत्ल जो था उसकी निंदा होनी चाहिए, और ये कोशिश जारी है कि गोडसे को किसी तरीके से वाइट वॉश किया जाए, कि उसकी उसकी काली करतूतों पे किसी तरीके से आप एक पेंट चढ़ा दें देशभक्ति का। एक ही बात अगर आप बार बार कहिए तो वो सच बन जाती है, तो गोडसे के साथ भी यही कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि बार 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 एक झूठ या एक घिनौनी बात को आप इतनी बार दोहराएं कि वो एंड में सच लगने लगे, कि 30 या 40 साल बाद हमें लगे कि हाँ ठीक है, गोडसे भी तो ठीक ही था, क्या दिक्कत थी। ये जो लड़ाई है हमारी आज, जो जिसमें हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में हमें बहुत एक क्लियर रूप से समझना चाहिए कि गोडसे के ऊपर कोई दो राहें नहीं होनी चाहिए। गोडसे कातिल था, जिसके मन में नफरत थी, उसे इस देश में एकता से नफरत थी। आज के डेट में गांधी से ज्यादा रेलेवेंट और गांधी से ज्यादा मायने रखने वाला हमारे देश में कोई नहीं है। आज के डेट में जो सत्ताधारी हैं वो भी गांधी को क्लेम करना चाहते हैं, गांधी की लेगेसी को क्लेम करना चाहते हैं। जो ऑपोजिशन में है वो भी गांधी जी, या हम लोग जो ऑपोजिशन में हैं वो भी गांधी जी को क्लेम करना चाहते हैं। हमारे जैसे लोग जो नॉर्मल नागरिक हैं इस देश के, हम भी गांधी जी को क्लेम करना चाह रहे हैं। और इसका कारण ये है कि गांधी जी हमारे देश का ईमान है, गांधी जी हमारे देश की मॉरेलिटी और एथिकैलिटी और एथिकल कोर है। उन्होंने जिस तरीके से, जिस परिभाषा में आज़ादी को ढांचा कि हमें आज़ादी अंग्रेज़ों से नफरत करके नहीं लेनी है, या किसी एक शख्स से या किसी खास समुदाय से नफरत करके नहीं लेनी है, हमें आज़ादी गुलामी के आइडिया से नफरत करके लेनी है। वो घर घर ले आया आज़ादी, नमक से जोड़ के, कपड़े से जोड़ के, नॉन कोऑपरेशन से जोड़ के, सिविल डिसोबीडियंस से जोड़ के, और उन्होंने ऐसे तरीके दिए इस देश कि गरीब से गरीब इंसान को, कि कोई, कि आपको कोई साधन नहीं चाहिए लड़ाई में शामिल होने का, आपको आपको बस जज्बा चाहिए और बस। अगर अहिंसा आपके साथ है तो आपका जो भी मुद्दा है उसकी मॉरल क्रेडिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। अराउंड अस थिंग्स कैन चेंज, लेकिन अहिंसा का जो आइडिया है वो कभी नहीं बदलेगा। उसकी एथिकैलिटी, उसकी मॉरेलिटी, उसका जो सहीपन है वो कभी नहीं बदलेगा। एंड आई थिंक इसलिए हम देख रहे हैं कि सबको ज़रूरत पड़ती है गांधी को क्लेम करने के लिए, खुद को जायज़ बनाने के लिए। कहीं पे गांधी जी भारत के सोल में बसे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी रेलेवेंट हो सकते हैं। Thank you.